everybody. My name is Pia Kumari. I read in class 5th. I am here to present a speech on Republic Day. Good morning, sir and ma'am. First of all, I would like to wish you a very happy Republic Day. It is an important day for all Indians today when a few follower India talk about the fear of losing basic right that the construction has given us, the India become more important. All thought we celebrate Republic Day as a national festival since our childhood. But we understand the real importance of this day when we grow up. Republic Day is celebrated on 26 January every year. On this day, in year 1950, Constitution of India came into effect. Our Constitution gave us various rights and responsibilities. We live in a democratic country where people enjoy their fundamental right. India is a good example of unity in diversity. Thank you. Namaskar. मैं नंदिनी द्विवेदी कक्षा 4 की छात्रा आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां देती हूँ। मैं आपके सामने एक गीत लेके प्रस्तुत हूँ जो एक महान व्यक्ति के ऊपर है। मेरे वतन
वीर रस की कविता के साथ उपस्थित हूँ मैं समरेंद्र शिवम, मैं सौम्या स्वरा। हिमाद्रितुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रितुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, वशस्य पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, वशस्य पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। On the event of Republic Day 2021, I, Parsakshi, from Kendriya Vidyalaya Chapra Class 2, going to sing a patriotic song. So please enjoy. Yeah.
आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मैं अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, आपको तो पता है ही कि 26 जनवरी 1950 हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन हमने अपने को एक संप्रभु गणतंत्र घोषित किया था और इसी कारण हर वर्ष इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वास्तव में इस दिन को चुनने का ऐतिहासिक महत्व है। कारण ये था कि 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी कि पूर्ण स्वराज्य ही हमारा अंतिम लक्ष्य होगा। इसी दिन यह भी घोषणा की गई थी कि अगली जनवरी 1930 के अंतिम रविवार को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इसी दिन सब लोग यह प्रण लेंगे कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाएगी तब तक हम इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। संयोग से
जनवरी 1930 का अंतिम रविवार 26 तारीख था। यही कारण है कि हमने 26 जनवरी को अपने देश के संविधान को स्वीकार किया और अपने को गणतंत्र घोषित किया। कारण यह है कि गणतंत्र दिवस के दिन ही हमें वास्तविक आजादी मिली। इसके पहले 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक हमारे देश का शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आधार पर चला, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। इसका अर्थ कि हम एक डोमिनियन के रूप में जी रहे थे 15 अगस्त 1947 के बाद भी। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमें वास्तविक आजादी की प्राप्ति हुई, क्योंकि अब हमारे देश का शासन हमारे देश के संविधान के अनुसार चलने लगा। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया और उन्होंने राजपथ पर झंडे की सलामी ली। और यही कारण है कि उसके बाद से प्रतिवर्ष हम बड़े ही उत्साह से अपने सारे अन्य राष्ट्रीय त्योहारों की तरह गणतंत्र दिवस को भी मनाते हैं। प्यारे बच्चों, जिस समय हम आजाद हुए थे हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ था। वो चाहे कृषि का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां हम आत्मनिर्भर थे। लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। इसमें हमारे इस संविधान का भी योगदान है, क्योंकि हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के आधार पर अपने संविधान को लागू किया और राष्ट्रीय एकता के मंत्रों के साथ हम एकजुट होकर लड़े। आज के डेट में शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सेना का हमारा क्षेत्र हो या अन्य कोई आविष्कार हो, हर क्षेत्र में हम नए झंडे गाड़ते चले हैं और राष्ट्र उत्तरोत्तर प्रगति करता जा रहा है। और वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश पूरी दुनिया में प्रगति के मामले में सर्वोच्च शिखर पर होगा। हमारी यह कामना है कि आपके हमारा देश इतना आगे बढ़ जाए और आप उसके बाद इतना आगे बढ़ा लें कि फिर हमें कोई छू न पाए और ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता कभी टूट न पाए। हमारा दुर्भाग्य है कि कोविड पैंडेमिक के चलते हम सब एक साथ मिलकर इस गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसका हमें भी दुख है। लेकिन हमारे सम्मिलित प्रयासों से अब उस पर हम विजय पाते जा रहे हैं और आपको भी पता है चरणबद्ध ढंग से हमारे विद्यालयों में क्लासेज चलने लगे हैं और एक दिन वैसा आएगा जब इस पैंडेमिक पर हम पूरी तरह विजय पा लेंगे। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इसके लिए नए आविष्कार किए भी हैं, आपको पता भी है, और ऐसी कोई भी पत्ती भी आएगी, चाहे और कोई नए आविष्कार की बात आएगी, भारत झंडा गाड़ता रहेगा। तो मेरी कामना है और आपके प्रति शुभकामना भी है कि भारत के इस झंडे की शान को आप ऊंचे से ऊंचे शिखर तक ले जाएं।
बार बार पुनः पुनः आपको इस दिवस की शुभकामनाएं, साधुवाद और धन्यवाद।